हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हमने प्लांट फिजियो के तीन चैप्टर पढ़ लिए। कितने चैप्टर? दो चैप्टर पढ़ लिए। तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सा? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया। अगर आपको देखना तो चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के लेक्चर। और उसके वन शॉट फास्ट ट्रैक कोर्स भी वन शॉट पढ़ गया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। दूसरा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा था? मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है क्या? पहली बार फोटोसिंथेसिस होता क्या है ये पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्या रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, क्या निकलता है, इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सारे प्लांट्स में C3, C4, C2 जितने भी प्लांट्स हैं सबके बारे में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। सब मेन बात, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस प्लांट के ग्रीन पार्ट पर होता है। ग्रीन पार्ट कौन सा होता है? लीव्स में होता है। अगर स्टेम भी लीव्स, अगर स्टेम भी ग्रीन कलर का हो तो वहाँ से भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। C2 प्लांट में जो होता है, जो स्टेम होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, वो प्रोसेस करने लगता है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट प्रोसेस करेगा वो फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली करेगा ही। सही बात है ना? सही बात है। देखिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। कौन से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं? सारे के सारे प्लांट करते हैं। सारे प्लांट ग्रीन होते हैं। सही बात है। ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या करते हैं, क्या फोटोसिंथेसिस में? ये लाइट एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि फूड मटेरियल बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, ये कौन बनाता? प्लांट ही तो बनाता है जो हम खाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज ए लिंक बिटवीन नॉन लिविंग टू लिविंग वर्ल्ड। फोटोसिंथेसिस लिंक है किसके किसके बीच में? नॉन लिविंग वर्ल्ड और लिविंग वर्ल्ड के बीच का लिंक है। नॉन लिविंग वर्ल्ड को लिविंग वर्ल्ड से लिंक कराता है फोटोसिंथेसिस। कैसे कराता आपने पता चलिया? हाँ कराता भाई, कैसे कराता है भी तो पता चलना चाहिए। देखिए फोटोसिंथेसिस में होता क्या? फोटोसिंथेसिस इज ए लिंक बिटवीन नॉन लिविंग टू लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, नॉन लिविंग वर्ल्ड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O, ये नॉन लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये सनलाइट यूज करते हैं और बनाते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, CH2ON क्या बना रहे हैं? ये नॉन लिविंग वर्ल्ड का मटेरियल है, नॉन लिविंग वर्ल्ड, ये लिविंग वर्ल्ड का मटेरियल है। क्यों? क्योंकि भाई यही तो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो बन जाता है प्लांट, वही तो हम ईट करते हैं। जो हम खाते हैं, हम क्या है? हेटरोट्रॉप है। हेटरोट्रॉप यानी कि प्लांट पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए? फूड के लिए। ये प्लांट क्या है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, वो होता है ऑटोट्रॉप, मतलब ये अपना खाना खुद बनाता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग वर्ल्ड में कन्वर्ट करता है, इसीलिए बोला जाता है फोटोसिंथेसिस इज ए लिंक बिटवीन नॉन लिविंग टू लिविंग वर्ल्ड। फोटोसिंथेसिस लिंक है किसके किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड के बीच में। कैसे? देख लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड H2O को सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बना दे रहा है, ये होता है। अब इसमें क्या होता है? इट इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच दे यूज सनलाइट टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर टू रीजन। फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? उसका दो कारण है। पहला कारण, इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। पहली बात, ये प्राइमरी सोर्स है अर्थ पे फूड आने का। पहली बात, अगर फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो अर्थ पे फूड रहेगा नहीं, तो अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सारे के सारे निकल लेंगे। ठीक है, तो पहला प्राइमरी फीचर से ये हो गया। प्राइमरी सोर्स क्या होगा? ये सारे सारे अर्थ पे फूड प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनता है, ये तो पता होगा ना? पता है, तभी तो नॉन लिविंग वर्ल्ड से लिविंग वर्ल्ड में लिंक कौन करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस से ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो हम ऑक्सीजन लेकर जिंदा है। अगर हमें ऑक्सीजन 2 मिनट तक ना मिले तो हम निकल लेंगे, राम राम हो जाएगा। तो
कौन दे रहा है ऑक्सीजन? प्लांट ही तो दे रहा है। तो फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, अगर फोटोसिंथेसिस को रोक दिया तो काम खत्म होगा ही नहीं, बचोगे ही नहीं। तो इसलिए प्लांट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट को बचाएं, सेव ट्री। ठीक है, प्लांट इज द बेसिक ऑफ लाइफ, अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कोऑपरेशन आ रहा है? अगर हम रहेंगे तो वो रहेगा तो हम रहेंगे, प्लांट नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। अगर हम नहीं रहेंगे तो प्लांट रह सकता है, हमारे बिना प्लांट रह लेगा, क्योंकि उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। किसके लिए? खाने के लिए और ऑक्सीजन के लिए हमें उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए प्लांट लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो रीजन है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस करता कौन है? प्लांट करता है। ठीक है, अब फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस, फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर्स है ये एंडरगोनिक, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता होगा, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सो मतलब एग्जिस्ट। देखिए दो प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्जो मतलब एग्जिस्ट, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है, यहां पर इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है? फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी दी जाती है। कभी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O कार्बोहाइड्रेट में बनता है, यानी कि स्टार्च में बनता है, यहाँ पे सनलाइट दी जाती है, यहाँ पे एनर्जी दी जा रही है ना। तो ये कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक, एनर्जी गिवन, एनर्जी दी जाती है। ठीक है, इसलिए इसे एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अपहिल प्रोसेस, इसे अपहिल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? अपहिल डाउनहिल कब बोलते हैं? जब यहाँ पे कम अमाउंट में कोई चीज़ पर जाए तो यहाँ पे हायर अमाउंट में, अगर यहाँ से जाए तो ये हो जाएगा अपहिल। डाउनहिल कब होगा? यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कोई अमाउंट कम है तो ये हो जाएगा डाउनहिल, ये हो जाएगा अपहिल, ये हो जाएगा डाउनहिल। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, CO2 जो है वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ऑक्सीजन हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, इसलिए अपहिल प्रोसेस है। दूसरी बात समझ, अपहिल प्रोसेस है। ये रेडॉक्स प्रोसेस क्यों है? रेडॉक्स प्रोसेस क्यों है बताइए? जो इसमें देखिए फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, H2O यूज हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है इसका रिडक्शन होता है, इसका रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन किसका होता है? वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए ये कैसा प्रोसेस है? रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तभी तो इसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल क्या होता है बताइए? फिजियोकेमिकल प्रोसेस मतलब ये लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? स्टार्च में कन्वर्ट कर रहा है। फिजियो ये केमिकल है, ये फिजिकल फॉर्म में लाइट एनर्जी, फिजिकल फॉर्म में ये इसको स्टार्च में कन्वर्ट कर रहा है भाई, देखो। तो इसे बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस, लाइट एनर्जी को स्टार्च में कन्वर्ट कर दे रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, यहाँ पे चार फीचर्स है फोटोसिंथेसिस के। कौन कौन सा? पहला एंडरगोनिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हम एनर्जी देते हैं, कोई भी प्रोसेस हो रहा है हम एनर्जी देते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? हम एंडोथर्मिक। अपहिल अपने से ऊपर जा रहा है तो उसे बोलेंगे अपहिल प्रोसेस। रेडॉक्स प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ही रिएक्शन में हो तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फिजियोकेमिकल रिएक्शन, अगर फिजिकल फॉर्म को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोल देंगे उसे। ठीक है, तो ये रहा फिजियोकेमिकल प्रोसेस जो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं एनसाइटमिक पॉइंट दिया, हाउ डू वी नो, व्हाट डू वी नो, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या जानते हैं? अब फोटोसिंथेसिस करता कौन है, फोटोसिंथेसिस में क्या जरूरत है, ये तो हमें पहले से पता। अब एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे पता लगा? दो एक्सपेरिमेंट एनसाइटी में दी गई है, दोनों आपको बता दिया जाता है, समझिए। पहला एक्सपेरिमेंट है, हमने एक लीव्स लिया, ठीक है, इसके आधे पार्ट पर हमने एक ब्लैक पेपर का सीट, ब्लैक पेपर लपेट दिया, ब्लैक पेपर, ठीक है, इतने हिस्से को। तो अगर यहां पे ब्लैक पेपर लपेट देंगे ये प्लांट हो गया,
ये ग्रीन पार्ट होगा, ये ग्रीन पार्ट होगा, ये भी ग्रीन होगा, लेकिन यहाँ पर हमने ब्लैक पेपर लपेट, तो जो सनलाइट होगी इसके पास नहीं आ पाएगी, यहाँ पे सनलाइट का अब्सेंस हो जाएगा ना, जब सनलाइट अब्सेंस होगी तो ये इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट्यूलेशन बोलते हैं ना, इट्यूलेशन, येलो अब्लेज ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट। अगर ये प्लांट इतना पार्ट येलो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, यानी कि सनलाइट नहीं मिल पाएगा, तो ये येलो कलर का हो जाएगा। ये इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इट्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इट्यूलेशन की बात नहीं करते, ये तो मिनरल न्यूट्रिशन में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, फिर हमने इस पर ब्लैक पेपर लपेट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी नहीं, यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, ठीक है। फिर हमने इसको सनलाइट में, धूप में रख दिया प्लांट को। फिर हमने थोड़ी बार इसका टेस्ट किया, इस प्लांट, इस लीव्स का, इसका, इस पेपर को हटा दिया। फिर देखा हमने यहाँ पर CO2, यहाँ पर मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव आ रहा है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि स्टार्च अब्सेंट है यहाँ पर, क्यों? इससे हमें ये बात पता लगी कि जो सनलाइट है वो एसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए सनलाइट जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए सनलाइट जरूरी है, क्योंकि हमने ब्लैक पेपर लपेट दिया था तो यहाँ पे सनलाइट पड़ी नहीं, तो ये फोटो मतलब स्टार्च बना नहीं, स्टार्च एब्सेंट है, इसका मतलब सनलाइट एसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। पहला एक्सपेरिमेंट है। दूसरा क्या था, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था, हमने एक लीव्स लिया, ठीक है, लीव्स है ये प्लांट है, ठीक है। इसके आधे हिस्से को हमने एक बोतल में डाल दिया, ठीक है। यहां पर KOH का सॉल्यूशन पड़ा है, KOH सॉल्यूशन, इतने हिस्से को मतलब आधा से ज्यादा ही डाल दिया, ठीक है। QOS सोल्यूशन करता है, ये करता क्या, QOS सोल्यूशन करता क्या, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब CO2, जितना भी CO2 रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 की मात्रा बहुत मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगी ना, ये KOH का सोल्यूशन है, तो यहाँ पे जितना भी CO2 रहेगा वो खत्म हो जाएगा, इस डब्बे में CO2 प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, और लेकिन इन्वायरमेंट में CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, यहाँ पर भी सनलाइट आएगी, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अनअवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम इसको रखा यहाँ पर, फिर इसके बाद स्टार्च का टेस्ट किया, स्टार्च कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट था, फिर हमने देखा स्टार्च यहीं पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो इससे हमें पता लगा कि स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्च में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट दोनों के दोनों जरूरी हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, दोनों एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा। ये KOH सोल्यूशन में इसे लीव्स को डाल देते हैं, तो क्यों, CO2 गैप करने के लिए क्या, KOH सोल्यूशन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता, सारे का सारा CO2 इसके साथ रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बना देगा, तो यहाँ पर CO2 प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, जब प्रेजेंट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा कैसे, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो होगा, जो आधा पार्ट है वो तो इन्वायरमेंट में है, उसको तो CO2 आराम से मिल जाएगा, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ये नहीं करेगा, तो यहाँ पे स्टार्च बनेगा, यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, तो ये टेस्ट से ये पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए पता चलता है CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये दो एक्सपेरिमेंट दी गई है। अब हम पढ़ेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। जैसे कि किसने पता लगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्यों होता है, ये पढ़ते हैं इसके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अब हम देखते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कैसे साइंटिस्ट ने पता लगाया था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आए थे जोसेफ प्रिस्टले साहब, ठीक है, 1733 से 1804 इनकी लाइफ स्पैन थी, ठीक है।
1737 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर 1737 में पैदा हुए थे, इसके बीच में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इन 1770 में ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए बताने के लिए कि जो एयर है वो एसेंशियल रोल निभाता है किसके, प्लांट के ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, जो प्लांट के ग्रोथ में एसेंशियल रोल निभाता है एयर है, ठीक है। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट जो फेमस था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, उन्होंने क्या लिया था, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है टीम, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उन्हें कैसे पता लगा जो एयर है उसमें क्या है जो कि एसेंशियल रोल निभाता है प्लांट के ग्रोथ में। उन्होंने सबसे पहले एक बेल जार लिया, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एक बेल जार लिया, सबसे पहले उन्होंने एक कैंडल रखा उसके अंदर, सबसे पहले उन्होंने कैंडल रखा तो कुछ टाइम बाद कैंडल बुझ गया, कैंडल बुझ जाएगा भाई, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं यहाँ पर, हमें तो सीधा पता, लेकिन उस टाइम पे जब 1770 में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्हें पता नहीं था कि इसे ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा, जलना बंद कर देगा, तब नहीं पता था ना, नहीं पता तो उन्हें कैसे पता, चलो ठीक है बुझेगा। फिर उन्होंने एक माउस रख दिया यहाँ पर, बर्निंग कैंडल एंड माउस, जिंदा माउस रख दिया, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने जब बेल जार हटाया, 2-3 घंटे बाद देखा कि चूहा भी मर गया, कैंडल भी बुझ गई। फिर सोचा ये क्या हो गया, चूहा भी मर गया कैंडल भी बुझ गई। अब तुम सोचो कैसे, चूहा रखा था, चूहा दौड़ दौड़ के इधर उधर बांधा, भाई चूहा को बांध देगा ना, सिंपल सी बात है भाई, चूहा रहेगा तो मोमबत्ती को तोड़ देगा, वो खुद कूदेगा, वो एक जगह थोड़ी ना, बांध के रख दिया, चलो ठीक है। तो कुछ टाइम बाद देखा चूहा भी मर गया, मोमबत्ती भी बुझ गई, तो फिर उसे अचंभा हो गया, ये क्या हो गया, ये दोनों बुझ क्यों जा रहे हैं, हम तो सीधा बता देंगे भाई ऑक्सीजन की कमी, हमें पता है ना, हम तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करने करके देखो पता लगी, तब उसे पता नहीं था क्या, उसके लिए तो जादू है ना ये भी बुझ गया, ये भी बुझ गया, हो क्या रहा है, बेल जारी तो रखा था इसके ऊपर, ठीक है। उसने समझा कि बर्निंग कैंडल और माउस कैसे ना कैसे, जो यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, जो यहाँ पे इन्वायरमेंट में एयर है उसको ये खराब कर दे रहे हैं, चूहा और बर्निंग कैंडल दोनों के दोनों ऑक्सीजन जो एयर है उसको खराब कर दे रहे हैं, जो इसके इन्वायरमेंट में एयर है उसको खराब कर दे रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हो गया, अब दूसरी बार उन्होंने एक बेल जार लिया, सेम एक बेल जार लिया, उसमें उन्होंने एक कैंडल रखा, ठीक है, एक चूहा रखा, एक उन्होंने मिंट का प्लांट रखा, मिंट प्लांट, ये बर्निंग कैंडल है, ये माउस जिंदा है, ये यहाँ पे मिंट प्लांट है। अब क्या देखा उन्होंने कि अब एक दिन बाद हटा रहे हैं, 2 दिन बाद हटा रहे हैं, चूहा भी जिंदा है, कैंडल भी जल लिया, कैंडल 2 दिन तक नहीं जलेगी, मतलब 3-4 घंटे जितनी बार देखा, कैंडल भी जल लिए, चूहा भी जिंदा और मिंट प्लांट भी जिंदा है। तो उन्होंने क्या पता क्या लगाया कि पहले देखा, पहले एक्सपेरिमेंट ने अगर जब मिंट प्लांट नहीं रखा तो चूहा भी मर गया, बर्निंग कैंडल भी बुझ गई। तो उन्होंने ये पता लगाया कि समहाउ जैसे कि चूहा और बर्निंग कैंडल किसी तरह से इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन मतलब एयर प्रेजेंट है उसको ख़राब कर रहा है, और जो मिंट प्लांट है उसे रीस्टोर कर रहा है, उसे सही कर रहा है, जो मिंट प्लांट है उसे रीस्टोर कर रहा है, ये दोनों ख़राब कर रहे हैं, ये अकेला उसे रीस्टोर कर रहा है। तो ये दोनों ख़राब, जब पूरा खराब होगा तभी तो ये दोनों मरेंगे, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहेगा तो जिंदा रहेंगे, ये ऑक्सीजन देते जा रहा तो ये सब रिस्टोर कर रहा है, इन्वायरमेंट को रिस्टोर कर रहा है मिन प्लांट, ठीक है। उन्होंने ये पता लगाया तो कुछ तरह से मिंट का प्लांट रिस्टोर कर रहा है इन्वायरमेंट को, तभी ये दोनों के दोनों जिंदा है। इसीलिए जोसेफ प्रिस्ले ने ऑक्सीजन का ही खोज किया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लांट ऑक्सीजन देता है, इसी वजह से ये दोनों जिंदा हैं और बर्निंग कैंडल ज़्यादा। तो यहाँ से पिस्टल ने क्या ऑब्जर्व किया, अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड,
बुझ जाता। सिमिलरली ए माउस वुड सून सफोकेटेड इन ए क्लोज्ड स्पेस। एक माउस भाई क्लोज स्पेस में सफोकेट होगा, लेकिन जब वहाँ पे मिंट का प्लांट रख देंगे तब वो नहीं सफोकेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे जो चाहिए वो प्लांट दे रहा है, दे रहा है। यानी कि जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है, ये पता लग गया। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट है जैन इंजन हाउस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया जैसे कि जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। उन्होंने बस लाइट का यूज नहीं किया, उन्होंने लाइट और डार्क में एक्सपेरिमेंट किया था। जैन इंजन हाउस, स्पेलिंग सही है ना? हाँ सही है, जैन इंजन हाउस। इन्होंने सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट लाइट में किया, एक अंधेरे में किया, यानी कि डार्क, अंधेरा कायम रहे, डार्क में किया, एक एक्सपेरिमेंट लाइट में किया, एक एक्सपेरिमेंट डार्क में किया। तो लाइट में क्या देखा, ये प्लांट है, लाइट और डार्क में किया, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ पे नहीं होगा। इन्होंने ये पता लगाया कि जो सनलाइट है वो एसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। कैसे पता, जब लाइट में इन्होंने किया तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी कि किसकी ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है। लेकिन वही अंधेरे में कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पे पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो इस वजह से पता लग जाएगा। और इन्होंने एक्वेटिक प्लांट में भी किया था, जहाँ पर मान लीजिए एक्वेटिक है, ठीक है, एक्वेटिक है, खुल जा भाई, एक्वेटिक है, पानी में है, यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आ रही है, इतनी सारी सनलाइट यहाँ पे, इतनी सनलाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे HNU बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, दो लाइन है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पर उन्होंने देखा ये पानी के अंदर है, तो ये भी ऑक्सीजन इवॉल्व करेंगे, ये भी ऑक्सीजन इवॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, कि जो सब पिछले ने बता दिया ऑक्सीजन ही निकलता प्लांट के द्वारा। तो इन्होंने देखा प्लांट के ऊपर यहाँ पे बबल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ग्रीन प्लांट, ग्रीन पार्ट के आसपास बबल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जो ग्रीन पार्ट है उसके आसपास बबल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम बनेंगे, यहाँ पे सनलाइट बहुत कम है। तो उन्होंने ये बताया था अपने ऑब्जर्वेशन से कि जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ती है जिस एक्वेटिक प्लांट में, उसके ग्रीन पार्ट के आसपास बबल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बबल्स यानी कि ऑक्सीजन के अमाउंट ज़्यादा होती है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, वही वो एसेंशियल रोल करता है फोटोसिंथेसिस में, और क्या चाहिए, और सनलाइट भी एसेंशियल रोल निभाता है फोटोसिंथेसिस में। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया था, ठीक है। इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। केवल ग्रीन पार्ट ही है ऐसा है जो कि ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट एब्सेंस हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, इसलिए रात को ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, ये तो बात आपको पता होगी, ठीक है। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट है जूलियन वॉन सैक्स, ठीक है, ये आप इतना नोट्स कर लीजिए, मैं उसके बारे में लिख देता हूँ। अब देखते हैं जूलियस वॉन सैक्स, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बताया था जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा वो ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज को किस फॉर्म में रखेगा उन्होंने ये बताया था। देखिए ग्लूकोज जो होता है केमिकली रिएक्टिव होता है, सॉल्यूबल होता है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और सॉल्यूबल होगा, तो इस फॉर्म में ग्लूकोज बनता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो बनता कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज होता है। सुक्रोज होता है केमिकली इनएक्टिव एंड सॉल्यूबल होता है। स्टार्च होता है केमिकली इनएक्टिव और इनसॉल्यूबल। यहाँ देखिए केमिकली इनएक्टिव होता है और इनसॉल्यूबल होता है, यानी कि ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट, सुक्रोज के फॉर्म में होता है, स्टोर
स्टार्च के फॉर्म में होता है, क्यों? क्योंकि स्टार्च केमिकली इनएक्टिव और इनसोल्यूबल है। और बनता किस फॉर्म में? बनता तो ग्लूकोज के फॉर्म में ही है, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, किसने? जूलियस वॉन सैक ने। इन्होंने ये भी बताया था, प्लांट के पास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, और वो एक स्पेशल बॉडी में प्लेस्ड है, एक स्पेशल बॉडी में प्लेस्ड है। स्पेशल बॉडी क्या को हम क्या जानते, किस नाम जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करता है, उस किस में प्रेजेंट है? स्पेशल बॉडी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट हम नाम से जानते हैं। ये बताया था जूलियस वॉन सैक ने। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है टी डब्ल्यू एंजेलमैन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? ही डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्होंने पहला एक्शन स्टेप स्पेक्ट्रम बनाया था फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम मानते हो ना, बताता हूँ। उन्होंने वाइट लाइट का यूज किया, वाइट लाइट लिया, एक प्रिज्म लिया, यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे क्या बनेगा? वी प्योर बनेगा ना, वी आई पी जी वाई ओ आर। ठीक है, यानी कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये हो गया वेवलेंथ हो गया, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इसको इन्होंने किस कहाँ पे गिराया? ग्रीन एल्गी में इन्होंने इस वेव प्योर को गिराया। ठीक है, इल्यूमिनेट किया किसके अगले? ग्रीन एल्गी, यहाँ पे ग्रीन एल्गी प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सा लाइट है? यहाँ पे ब्लू पड़ेगा, यहाँ पे इंडिगो पड़ेगा, यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो उन्होंने क्या देखा? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे बन रहा, वो पता कैसे लगाएंगे? ठीक है, उन्होंने फिर एक क्लेडोफोरा बैक्टीरिया ला। किसका? क्लेडोफोरा, क्या नाम है? क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा ये एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक मतलब ये जहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। क्लेडोफोरा बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट पर रहेगा वहाँ प्रेजेंट रहेगा। तो इन्हें ये पता लगाने से चाहते थे किस अमाउंट में, किस अमाउंट ऑफ लाइट से, कौन से कलर ऑफ लाइट से ज़्यादा का ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा की ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो उन्होंने क्या देखा, क्या देखा बताइए? उन्होंने देखा रेड और ग्रीन पार्ट पर ज्यादा के से ज्यादा क्या थे? क्लेडोफोरा प्रेजेंट थे। तो इससे ये पता लगता है रेड कलर से और ग्रीन कलर से में ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। तो इससे ये पता लगता है क्लेडोफोरा यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होगा या और यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट होगा। तो इससे पता लगता है क्लेडोफेरा यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा, यानी कि रेड कलर से और ग्रीन कलर से ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा। इस ये इन्होंने टी डब्ल्यू एंजेलमैन ने इसका स्पेक्ट्रम बनाया था। टी डब्ल्यू एंजेलमैन ये इसका स्पेक्ट्रम बनाया था, ये था। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे उसके बारे में देखते हैं। टी डब्ल्यू एंजेलमैन ने क्या किया? व्हाइट लाइट दिया, उन्होंने उसका एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया, उन्होंने प्रिज्म पर लाइट को डाला, तो क्या बनेगा? वी प्योर, सात कलर आ जाएंगे। तो उन्होंने ये देखा रेड कलर और ब्लू कलर पे ज़्यादा ऑक्सीजन बनना, कैसे पता लगा? उन्होंने क्लेडोफोरा एरोबिक बैक्टीरिया को पानी में छोड़ दिया, तो एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे? जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो रेड कलर पे और ब्लू कलर पे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा से इस कलर से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही, इन्होंने इस बात का पता लगाया। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम बताया किसकी वजह से हो रहा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से होता है, ये हम आगे जाके पढ़ देंगे। ठीक है, फिर आए थे कैरोलिनस वॉन नील। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? पहली बात, ये इक्वेशन बनी थी 19th century में, क्या जो मैंने पहले लिखवाई थी, CO2 प्लस H2O सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाती है? CO2 प्लस H2O सनलाइट, H2O लिख देता हूँ, CH2O N। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट बनता प्लस, और इवॉल्व भी तो होगा तो होता है कुछ, क्या इवॉल्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है प्लांट के द्वारा, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा ही। ये 19th सेंचुरी में ये इक्वेशन माना था फोटोसिंथेसिस का, लेकिन हम जो अभी पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस का हम ये नहीं लिखते, कुछ और लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये किसने बताया था कि ऑक्सीजन जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं वाटर से ही निकलता है, ये बात किसने बताई थी? ये बताई थी कैरोनिलस वॉन नील ने, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था जो कि वाटर फोटोसिंथेसिस है ये सनलाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और जो इसमें हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइजेबल करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो क्या रिएक्शन बनती है, 2H2A + CO2, यहाँ पे सनलाइट, फिर यहाँ पे बनेगा CH2O + A2 रिलीज हो जाएगा, A2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, ये ऑक्सीडाइजेबल है तो इसको रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इन्होंने यही बताया था जो H2O है यही ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन अगर सल्फर पर्पल बैक्टीरिया में देखेंगे वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ पे H2S होता है ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, तो वहाँ पे सल्फर रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, सल्फर रिलीज होता है, ऑक्सीजन के जगह पे ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता, सल्फर रिलीज होता है, किसमें, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में, ब्लू पर्पल बैक्टीरिया में जो सल्फर कंटेनिंग करते हैं। लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटली कौन बताता है कि जो ऑक्सीजन होता है केवल और केवल H2O से निकलता है ना कि CO2 से, इन्होंने तो केवल बताया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था कि जो ऑक्सीजन है वो केवल और केवल किससे निकलता है, H2O से निकलता है ना कि CO2 से निकलता है, किसने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली, बाय रूबेन कॉमेन एंड असीद, रूबेन कॉमेन एंड असीद, ये तीन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन रिलीज होता है वो H2O से ही होता ना कि CO2 से होता, कैसे, इन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज किया था, किसका, रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज हुआ था, ठीक है। तो इस कैसे यूज किया था उन्होंने, जो रिएक्शन होती है 6CO2 + 12H2O गिव 6H12O6 + क्या आएगा, O2 आएगा + 6H2O, ये रिएक्शन है 6H2O, 6 times of O2 आएगा। अब इन्होंने था रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज किया था, ठीक है, रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज किया था 16, 18, 16, 18, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का है 16, 18, ये 16 आएगा, नहीं ये 18 आएगा, ठीक है। इन्होंने रेडियो आइसोटोप का यूज किया था। आइसोटोप क्या होता है, एक ही कंपाउंड के, मतलब ऑक्सीजन के कई सारे आइसोटोप होते हैं, ठीक है, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ये आइसोटोप होते हैं, मतलब बहुरूपीय, ये जो ऑक्सीजन होता है ये इन सबका एवरेज होता है, ठीक है, एटॉमिक मास है लिखा हुआ है, एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम रेडियो ऑक्सीजन का आइसोटोप ले लेते हैं, आइसोटोप से हमें पता चल जाएगा इसका आइसोटोप 16 है, इसका आइसोटोप 18 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, मतलब वाटर है, ये रिएक्शन कर रहा है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमने क्या देखा, CO2 से क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और वाटर बन रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन में कौन सा आइसोटोप आ रहा है, 18 आ रहा है, तो 18 कौन सा आइसोटोप में, कार्बन डाइऑक्साइड के हाइड्रो पानी में,
पानी के आइसोटोप के ऑक्सीजन का आइसोटोप कौन सा 18वां है। इससे पता चल जाता कि ऑक्सीजन किससे रिलीज होता है, केवल और केवल H2O से। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ओनली एंड ओनली बाय वाटर। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज सब्सटेट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सब्सटेट में क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, क्यों? एक CO2 मतलब 6 CO2 को फिक्स करने के लिए, 6 CO2 को कन्वर्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट में 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्यों यूज किया जाता है, क्यों ये पूछ रहा है। तो क्यों, जो ये फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, कैसे होता है भाई, केल्विन साइकिल से होता है, केल्विन साइकिल में, ठीक है, केल्विन साइकिल में जो होता है 2NADPH का यूज होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे केल्विन साइकिल। तो यहाँ पे सीधा होता है, केल्विन साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितना चाहिए, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, इसलिए यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज ए सब्सट्रेट के रूप में यूज होता है। ये यहाँ से वाटर रिलीज होता है, यानी कि ऑक्सीजन पानी से ही रिलीज होता है, ना कि CO2 से रिलीज नहीं होता है। ये बात बताई थी रूबेन कामेन नसीद ने, ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने किया था। अब कैरोनस वर्निलियम वैसे ही बता दिया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली किसने किया था, रूबेन कामेन नसीद ने, कैसे, रेडियो आइसोटोप टेक्निक की वजह से। और ये क्वेश्चन था कि 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्यों यूज किया जाता है इस रिएक्शन में, क्योंकि केल्विन साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए। ये था हमारे अर्ली एक्सपेरिमेंट जो पता चला था। अब ये हम पढ़ेंगे कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि आप पढ़िए दबाकर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबाकर शेयर करें। थैंक्स।